बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि हमने अपने ऐसे ऐसे लेजिस्लेटर जो हमने यहाँ खड़े किए हैं वो ना हेल हैं, बिल्कुल बेकार हैं। एमएलए हवेली को मैं कहना चाहता हूँ, कितनी जद्दोजहद से, कितनी मुश्किलों से हमने पुंछ के अंदर यूनिवर्सिटी सैंक्शन करवाई थी। उस वक्त अमरुद्दुल्ला साहब ने 40 करोड़ रुपया, उसमें आजाद साहब ने 40 करोड़ रुपया दिल्ली से लाकर पुंछ में यूनिवर्सिटी का काम शुरू किया था। लेकिन ये यूनिवर्सिटी जो है इस वक्त मेंडर में दी गई है, लेकिन ये हम चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी उम्र जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं वो सफर करते रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए, कभी वो दिल्ली में गए, कभी बॉम्बे में गए, कहीं गए। आज इतनी मेहनत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त यूनिवर्सिटी जो पुंछ में लाई थी, आज कितने साल हो गए पहले उसका काम शुरू हुआ, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के होते काम शुरू हुआ, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता से हटी उसके बाद उसका काम बंद हो गया, डबल स्टोरी तक काम गया, उसके बाद शटरिंग भी वहीं रही, लेकिन वो यूनिवर्सिटी का काम शुरू नहीं हुआ। मैं शर्म ना कर, मैं हवेली एमएलए को कहना चाहता हूँ, बड़ी शर्म की बात है आपके लिए, एक आप एमएलए हैं पुंछ के लिए, जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसका काम शुरू नहीं हुआ, वो वहीं पर पड़ी रही, और जो यूनिवर्सिटी आज मेंढर शास्त्र में दी गई है, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे बच्चों का हक है, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जितना मर्जी जोर लगा रहे, हम ये यूनिवर्सिटी जो है वो मेंढर के अंदर नहीं जाने देंगे। मैं मीडिया के माध्यम से अपील करता हूँ, हर उस जनता को, हर स्टूडेंट को, वो रोड पे उतरे, ये आपका हक है। आप मुझे बताएं, अब हमारा बच्चा या लॉरेंस साहबिया से या पुंछ पढ़ने के लिए शास्त्र जाएगा, हम वहाँ पर सुखे रहे, उस जंगल में हम सुखे रहे, हमारी लड़कियां वहाँ पढ़ने जाएंगी, हमारे लड़के वहाँ पढ़ने जाएंगे, क्या वो एरिया सिक्योर है, हम वहाँ पर सेफ है हमारे बच्चे? नहीं है। ये पुंछ हेडक्वार्टर है, यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। ये मेंढर के लिए भी मेन है, लॉरेंस साहबिया के लिए भी मेन है, सुनकोट के लिए भी मेन है, लेकिन इतनी शर्त ना मार कर जो इस गवर्नमेंट ने की है, जितने लेजिस्लेटर है हमारे वो नाहल है, बेकार है, वो उनके होते हुए हमारा हाथ छीना जा रहा है, हमारे बच्चों का हाथ छीना जा रहा है। इनका सिर्फ एक ही काम है, इनका कोई काम नहीं है, इनका एक ही काम है, ये सिर्फ निर्गा का काम कर रहे हैं, सिर्फ मुलाजिमों के पीछे पड़े हुए, बस गलियां बनानी है, और इनको कोई काम नहीं दिख रहा है। करोड़ों फंड जो हमारे आ रहे हैं ये इनकी जेब में जा रहे हैं, हमारा हक जो मारकर ये अपनी तिजोरियों में भर रहे हैं, आज हमारे लिए हक की बात है यूनिवर्सिटी की। और वो यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे आए थे और बिल्डिंग का काम जो बिंगला में लगा था उसको आज कैबिनेट शिफ्ट करके धन्ना शास्त्र में भेज दिया। तो ये नाअहल लोग जो यहाँ पे हमें जो हवेली में जहाँ नाअहल लीडरशिप है, हम मीडिया के साथ ये कहेंगे कि वो अपना रिजाइन पेश करें, अखलाकी तौर पे अपना रिजाइन पेश करें, क्योंकि एक शख्स जावेद राणा आपको यहाँ पे दूर चला के चला गया, यूनिवर्सिटी लेके चला गया, और आप इतने नाअहल हो कि यहाँ पे जो भी लिस्ट है मंत्री में आपको तो एमएलए और एमएलसी से ये काम नहीं होते कि निर्गा की लिस्टें बने, और निर्गा की लिस्ट में आप अपने लोगों के नाम रखें, यहाँ पे पीएमजीएसवाई के नाम रखें, बल्कि डेवलपमेंट करनी होती है जो आजाद साहब के दौर में, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में जो डेवलपमेंट हुई वैसी डेवलपमेंट होनी चाहिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ आनी चाहिए, यहाँ पे मिनिस्टर सेक्रेटरी बनना चाहिए, यहाँ हॉस्पिटल की कंडीशन देखिए उसको ठीक करना चाहिए, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ छोटी सियासत करते हैं, डंगू की और बाथरूम की सियासत पे आए हुए हैं, और बड़े बड़े लोग जो हैं वो बड़े डेवलपमेंट के काम करते हैं जैसे कि राणा साहब ने किया। तो हम इस नाअहल यहाँ की गवर्नमेंट को, यहाँ के एमएलए को ये कहना चाहते हैं कि खुदा के लिए होश के नाक लीजिए, उससे पहले कि नौजवानों का गुस्सा फूट जाए वो सड़कों पे आके एहतजाज करें और यहाँ पे खून की नदियाँ बह जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ना कर सके। हम कहते हैं खुदा के लिए होश के नाक लीजिए, और ये जो यूनिवर्सिटी है हमारी यहाँ पुंछ में जो डिंगरा पे कैंपस है उसका काम फौरन शुरू कीजिए, और वहाँ पे जो है उसका एग्जाम